हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग एवरीबॉडी तो चैप्टर वगैरह कुछ पढ़ा है क्विज की तैयारी की आप लोगों ने या नहीं हाँ जी चलो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी गिव यू फ्यू टिप्स एंड फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो बच्चों सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स नीट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था आप लोगों को बताया था कि भाई अन अकेडमी पर मैं रोज सुबह क्लास लेती हूँ दस बजे जिसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाती चैप्टर वाइज ठीक है उसके बाद मेरी जो क्लास होती है शाम को सात बजे होती है उसमें मैं थ्योरी क्लास ले रही हूँ क्रैश कोर्स दैट इज एप्सोल्यूटली फ्री तो आप में से कोई भी स्टूडेंट नीच ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए या ट्वेंटी टू के लिए तैयारी कर रहा है तो फ्री क्रैश कोर्स है रोज थ्योरी क्लास होती है शाम को सात बजे ठीक है तो आप लोग रोज ज्वाइन कर सकते हैं ऑल्सो जिन बच्चों ने ट्वेल्थ कंप्लीट कर ली है ट्वेल्थ के चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं रोज सुबह क्लास ट्वेल्थ के लिए क्विज होती है तो यू आर मोस्ट वेलकम मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा तैयारी आप लोगों की हो टॉपिक्स कवर हो जाएं, क्विज के थ्रू भी और थ्योरी क्लासेस में ठीक है होप टू सी यू ऑल देयर एवरी डे एट टेन ए एम एंड सेवन पी एम ओके एवरी वन ठीक है सो बी रेगुलर बी ऑन टाइम चलो तो आज का टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट डे नाइन दैट मीन्स मैं ऑलरेडी सेवन एट क्लासेस ले चुकी हूँ जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था आप में से किसी ने अगर अटेंड नहीं किए कोई प्रॉब्लम नहीं है प्ले में जाइए आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है बच्चों शुरू करते हैं फिर देखते हैं कौन होशियार विद्यार्थी है सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं ठीक है ना चलो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड बहाल मुझे एक्चुअली पढ़ाई करना और पढ़ाना ज़्यादा पसंद था ठीक है मेरा टीचिंग फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बनी मैं टीचर बन गई है ना चलो क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों की स्क्रीन पर वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑप्शंस को रीड करो और मुझे बताओ करेक्ट आंसर कौन सा है चलो भाई अरे आप कमोन क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों की स्क्रीन पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है बता दो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कहाँ से होता है सबसे ज्यादा वेरी गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दो अरे कम ऑन वेरी गुड आदित्य एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फाइटो प्लैंक्टॉन ऑफ सी वेरी गुड फ्लोरोप्लास्ट कंटेन्क्सिमम क्वान्टिटी ऑफ बताई बच्चों प्लास्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्रजेंट होता है कौन बताने वाला है मुझे चलो ऑप्शन को रीड करो फटाफट से एंड टेलमी विच वन इसका रेटोरेट जितने बच्चे यहाँ पर अभी लाइव हैं सब ने वीडियोज को लाइक नहीं किया है मैं देख रही हूँ है ना साथ, -साथ वीडियोज को लाइक भी किया करो बच्चों वेरी गुड इवनिंग टू ऑल विच वन इज करेक्ट आर यू बी पी यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो काफी ज्यादा मात्रा में इस एंजाइम को कैरी करेगी क्या yeah? चलिए रूबिस को होना चाहिए था बट ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों बीटी टॉक्सिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट एकदम सत्य है ट्रू स्टेटमेंट नीरज कमॉन दीप्ति वंशिका गो फॉर इट वीडियोस को लाइक करते चलो और मैंने आपसे बोला था ना फिफ्टीन जून तक पचास हजार सब्सक्राइबर्स चाहिए शेयरिंग इज केयरिंग लग जाओ एकदम शुरू करने में तो करेक्ट आंसर दो क्वेश्चन नंबर थ्री का सही उत्तर कौन बता रहा है मॉन एवरीबॉडी ऑप्शंस को पढ़िए ओके okay, काफी बच्चों को आता है क्या बात है बच्चों ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोटीनस तुरंजेनेसिस बैक्टीरिया ने बनाया था जैसे ही वो इंसेक्ट के गट में जाता है एल्कलाइन मीडियम होने की वजह से वो एक्टिव हो जाएगा एल्कलाइन मीडियम होने की वजह से वो एक्टिव हो जाएगा ठीक है ना चलो क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो फिर बताओ चलो समा एवरीबडी गो फॉर एट येस निक्की डेफिनेटली अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है अगर आपने इलेवेंथ और ट्वेल्थ की बायोलॉजी अच्छे से की है तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी अच्छे से कर सकती हो बेटा ट्राई करो वेरी गुड एकांश लेकिन गलत हो गया आंसर एक बार पढ़ के देखो जरा वेरी गुड काजलब बच्चे पढ़िए चलो बच्चे जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर वो है ए द एंटी कोग्यूलेंट इज़ बींग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेप्यूस ये सरसों की बात हो रही है मस्टर्ड की बात हो रही है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हीरोडिन को प्रोड्यूस करने में ठीक है बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज कॉमन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बताइए दोनों ही प्रोसेस में क्या चीज़ कॉमन होगी टेल मी एवरीबॉडी अच्छे से ऑप्शंस को रीड करो तभी आंसर पता चलेगा मोहन बच्चों देखो जरा कौन सही सही उत्तर देने वाला है क्या बात है लेकिन सबको पानी क्यों लग रहा है अरे करेक्ट आंसर है नीरज वेरी गुड साइटोक्रोम आपको पता है जब कीमिओसमोटिक हाइपोथेसिस हो रही थी है ना तो भी वहाँ पर साइटोक्रोम थे ठीक है ये क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में राइट चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स पीटर्स की सबसे पहली मूवमेंट कब ऑब्जर्व की जाती है बच्चों अपियरेंस ऑफ हेयर कौन सी स्टेज पर होती है कौन बताने वाला है बच्चे की सबसे पहली मूवमेंट और उसकी हेयर कब ऑब्जर्व किए जाते हैं चलिए और सही उत्तर दे रहे है आदित्य वेरी गुड रोहन नीरज बहुत अच्छे बिल्कुल सही बेटा फिफ्थ मंथ में वेरी गुड यस रैना वो बैक्टीरिया के अंदर होंगे आ, बैक्टीरिया का जो एनवलप होता है उसमें थ्री लेयर्स होती है उसमें तीन लेयर्स होती हैं आपका ग्लाइको हो गया सेल वॉल और मेम्ब्रेन ठीक है जो ग्लाइको है ना अगर वो टाइटली पैक्ड है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे अगर लूजली पैक्ड है तो फिर उसको तो स्लाइम लेयर बोलेंगे रिया जूम क्लास में आ, जो चार्जेस है वो एट हंड्रेड पर मंथ क्लास होगी ठीक है और वो एम डब्ल्यू एफ़ यानी कि ऑल्टरनेट डेज में होती है ठीक है जी चलो क्लास ट्वेल्थ के लिए है वो हेलो प्रिया क्वेश्चन नंबर सेवन पर आओ ऑफ़ द फॉलोइंग ग्रुप्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन मेल गोनाड रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेल्स बच्चों इनमें से हेप्लॉइड कौन सा है हैप्लॉइड मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स चलिए ऑप्शंस को पढ़ के फिर आंसर दीजिए तमाम बच्चों Which of the following groups of the cells in male gonad represent haploid cells? बताइए haploid cells. Come on everyone, try कीजिए और select करो best option कौन सा है चलो let me see कौन सा ये answer दे रहा है Okay, काफी बच्चों को पता है बच्चों स्पर्मेटोगोनिया spermatogonia या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ठीक है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फोटो सिंथिसचर इनमें से कौन सा लो टेम्परेचर पर फोटो कर सकता है बताइए बच्चों और वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो आप जितने बच्चे लाइव हैं उतने बच्चों ने लाइक नहीं किया हुआ है ना जॉली हेलो आरती गुड इवनिंग विच वन इज करेक्ट वेरी गुड काजल आशी वेरी गुड बच्चों लो टेम्परेचर पर लाइकन कर सकती हैं लाइकन कर सकती हैं फोटो सिंथ गुड इवनिंग क्वेश्चन नंबर नाइनोली सेल्स आर नरिशिंग सेल्स इन द टेस्टिस दे ऑल्सो सिक्रीट अ हॉर्मोन कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करते हैं बच्चों ये एक बार ऑप्शंस को पढ़ो और बताओ सही उत्तर क्या है सटोली सेल्स totally चलो रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड टेल मी वन इज करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड बच्चों बहुत बढ़िया एंड द करेक्ट आंसर इज इनहिबिन चलिए इसका काम होता है एफ एस एच की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देना राइट कम ऑन क्वेश्चन नंबर टेन आपको अजर्शन और रीजन दोनों दिए हुए हैं दोनों को रीड कीजिए और बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है चलो ऑप्शंस को पढ़ो कौन बता रहे सही उत्तर नीरज वेरी गुड डॉली आलोक तिवारी और ट्वेल्थ की न्यू बैच एक्चुअली मैंने ऑलरेडी सारी वीडियो तो डाली हुई है अब जो लेटेस्ट वीडियो है वो धीरे धीरे करके डालूंगी चैप्टर वन से ठीक है ऐसे प्ले में आपको सब कुछ मिल जाएगा चलो भाई करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी अजर्शन ट्रू है लेकिन जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्यों गलत है देखो ध्यान से क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कॉसोवेट्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं प्रोटीन सराउंडेड बाय लिपिड नो प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे तो माइक्रोस्पेयर सही आंसर होगा बट यहाँ पर जो कॉसोवेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है बच्चों प्रिंस रॉल गुड इवनिंग जी आरती चलो बताओ वारबर्ग्स इफेक्ट वारबर्ग्स इफेक्ट बताइए हांजी आलोली क्लास ट्वेल्थ के लिए प्लेलिस्ट में जाइए सारी वीडियोस मिलेंगी एक्सेप्ट लास्ट चैप्टर बाकी सब मिलेगा बच्चों आपको चलो भाई क्वेश्चन नंबर इलेवन उत्तर बताओ कम एवरीवन ऑप्शंस को रीड करो वार्बर इफेक्ट किसे कहा जाता है वट इज द मीनिंग है ना ऑफ वार्बर्स इफेक्ट ऑन फोटो सिंथेसिस वेरी गुड रोहन बच्चों लो रेट ऑफ प्रोसेस ड्यू टू ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई होने पर जो तो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कम हो जाता है है ना जबकि सीओ टू की सप्लाई ज्यादा होने पर क्या होगा तो सिंथेसिस ज्यादा होगा ठीक है रैना इवोल्यूशन पर वीडियो है ऑलरेडी प्ले लिस्ट में जाकर चेक करो प्रिंस रॉ मैंने ग्रुप बना रखा है ग्रुप बना रखा है मैंने बायोफिलिक भावनापुरी के नाम से टेलीग्राम पर ठीक है आरती कहाँ चली सही उत्तर बताओ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन बताइए ऑप्शंस को रीड करो सही उत्तर कौन सा है अरे वाह नो वंशिका कमॉन बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और काफी बच्चों को सही उत्तर पता है वेरी गुड चले बेटा करेक्ट आंसर है बी ना कि ए फ्लूड मोसेक मॉडल वॉज गिवन बाय निकोलसन एंड सिंगर इन 1972 है ना फर्स्ट वाला क्यों गलत है क्योंकि तो उसमें लिखा है बच्चों कि जो पोलर हेड होता है वो इनर पार्ट की तरफ है बट दिस इज रॉन्ग है ना ये स्टेटमेंट गलत है दिप्ति केमिस्ट्री फिजिक्स का भी कुछ करती हूँ अगर हो जाए तो केमिस्ट्री का तो मैं ही देखती हूँ एक दो चैप्टर मैं ही बना दूंगी ठीक है ना और वो मेरे दूसरे चैनल पर आएगा बच्चों मेरे दूसरे चैनल का नाम पता है आप लोगों को आफ्टर स्कूल मैंने लिंक डाला हुआ है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आफ्टर स्कूल का फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के नाम से तो आप जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए प्रिया जूम पर जो क्लासेस होती हैं वो पेड क्लासेस होती हैं ठीक है ठीके? नाइट बहुत परेशान कर रहे कि तुम्हें कोई बात नहीं इस पर ध्यान मत दो आरती कमॉन बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टीन करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बच्चों इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है प्रिंस तुम सोनू के असिस्टेंट हो क्या है आंसर देने पे ध्यान दो चलो क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताइए बेटा कम ऑन करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन और कौन दे रहा सही उत्तर चलिए बहुत अच्छे बेटा ए बिल्कुल सही उत्तर है रिप्रोडक्टिव फिटनेस या जो फिटनेस है वो एबिलिटी होती है अटैप्ट अपने आप को अडेप्ट करने की ठीक है चलो कॉम्पनसेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों कॉम्पेंसेशन पॉइंट का मतलब क्या होगा इट इज जस्ट लाइक इक्वल इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पेंसेशन पॉइंट अटल प्रताप वेरी गुड बाकी बच्चे करेक्ट आंसर बताओ एक्सक्यूज मी गॉड ब्लेस मी थैंक यू आलोक तिवारी अच्छा करेक्ट आंसर बताइए बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग मैंने इक्विलिब्रियम बोला तो तुम सबको पता चल गया है ना बच्चों कॉम्पेंसेशन का पॉइंट वो है जब फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट के इक्वल होता है वेरी गुड अनुभव चलिए अब आपको फिर से अजर्शन और रीजन यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए कम ऑन कमऑन एवरी वन सेलेक्ट दैमब्रेन शोज फ्लूड बिहेवियर रीजन है अ मैमब्रेन इज अ मोजिक और कंपोजिट ऑफ डाइवर्स लिपिड्स एंड प्रोटीन क्या कहते हो विच वन इज करेक्ट वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए दोनों करेक्ट हैं और वो उसकी क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मैम आपने फैन को ऑन कर दो प्लीज हब चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताइए बच्चों करेक्ट ऑप्शन कौन सा है है कोई रैना जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मुझे उन्होंने ही मेरी वीडियोस को लाइक किए अनलाइक किया है आई मीन वो स्पेशली मेरी क्लास में इसीलिए आते हैं तुम लोगों से ज्यादा पंक्चुअल है वो बच्चे तुम्हें पता है क्लास शुरू होने से पहले ही आ जाते हैं वो चलो करेक्ट आंसर बताइए कम ऑन क्वेश्चन नंबर 16 प्रिंस रॉर मुझे इतनी ज्यादा आती नहीं है ना केमिस्ट्री एक दो चैप्टर ही आते हैं बस देखते हैं करवा देंगे हम केमिस्ट्री के एक दो चैप्टर्स ठीक है बट बच्चों आप में से किसी ने अगर मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please go for it. है ना चैनल पे जाओ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है आफ्टर स्कूल के नाम से सही बोल रहे हो साथ बिल्कुल सही पकड़े हैं वेरी गुड बच्चों ऑनटोजी रिपीट्स फाइलोजी इसकी जगह पर लिखा होता है ऑनटोजैनी प्री आंस्ट ने ये बात बताई थी ठीक है मैडम ऐसा मत बोलो मैं भी डिसलाइक कर दूंगा वो तो आपकी मर्जी है तो मैं, मैं थोड़ी ना रोक सकती हूँ जो मर्जी हो वो करो ऑन बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पर आइए न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड की सेगमेंट होती है जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी है उसको क्या कहते हैं ये रोहन जी और नीरज बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं अभिनव भी टॉली वेरी गुड, गुडी आदि वेरी गुड भावना बहुत अच्छे प्रॉप कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं बेटा रॉप वेरी गुड सान्या वंशिका चलो ये बताओ डीएनए और आरएनए में क्या पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है एन ए एंड आर एन ए में व इज दॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बताइए चलो जल्दी से बताओ कम ऑर एवरीवन चलो 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 करेक्ट आंसर बता दो विच इज सही उत्तर गुड इवनिंग पलक ओके ओके काफी बच्चों को लगता है कि करेक्ट आंसर होगा पी है ना नो क्योंकि डीएनए में डी शुगर होती है और आरएनए में राइबोस शुगर होती है तो करेक्ट आंसर है डी क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं ठीक है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक है ना बात अलग है कि भैया वहाँ पर ए है और यहाँ पर एयूजीसी है लेकिन है तो न्यूक्लियोटाइड जी करेक्ट चलो बेटा तो सी वॉल राइट इफेक्ट किसे कहते हैं राइट इफेक्ट किसे कहा जाता है बताइए चलिए हेलो पूजा कम ऑन आरती विच वन इज करेक्ट हाँ समझ गई मैं सोमे अरे मैं समझ गई मेरे भाई चिंता की कोई बात नहीं है मज़ाक कर रहे हैं भाई चलो करेक्ट आंसर बता दो सोमे फटाफट से Come on everyone. और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल हो जाओ रोज सुबह दस बजे मेरी क्लास होती है अन अकेडमी पर जिसमें क्लास ट्वेल्थ की क्विज होगी और रोज शाम को सात बजे क्लास होती है जिसमें मैंने क्रैश कोर्स बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है, है ना तो आप लोग थ्योरी क्लास भी ले सकते हो ठीक है टांशु ये तो फुल बायोलॉजी का मॉक टेस्ट है चलिए बच्चों वेरी गुड भावना बहुत अच्छे जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑन क्राई टू ए बी एंड क्राई टू ए नहीं वन ए बी ये किसको कंट्रोल करते हैं बच्चों? ये किसको कंट्रोल करतेमॉन अरे वाह नीरज के मजे आ गए और आग बहुत हवा चल रही है भाई एकदम तगड़ी वाली ज्यादा तगड़ी हवा चल रही है ओहो आरती बच्चों करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का रोहन तो में, वेरी गुड बहुत सही करेक्ट आंसर है सी कॉटन बॉल वोम्स और कॉटन सॉरी कॉर्न बोरर ठीक है चलिए वैक्यूल इन अ प्लांट सेल बच्चों किसी भी प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो क्या होती है बता दो चलो भाई ऑप्शंस को रीड करो हाँ आरती सही पकड़े हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या क्या चीजें होती हैं वैक्यूल में बताइए <coughs> रोहन कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है नेचर नेचर बदल रहा है इंसानों ने खूब मजे ले लिए अब नेचर थोड़ा बदला भी तो लेगा ले आंधी तूफान आ रहे हैं ओके सो काफी बच्चों ने बी बोला है लेकिन भावना जी ये गलत है आंसर है ऑप्शन सी जो वैक्यूल है वो वाटर को और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को सैप को स्टोर करके रखती है ठीक है ना बच्चे मैम हमारे बायोलॉजी टीचर ने इलेवेंथ क्लास में ओनली आपकी वीडियो सेंड की थी हमें आपकी वीडियोस में से नोट्स बनाए थैंक यू मैम मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स मैं जानना चाहूँगी कौन सा स्कूल है आपका ओहो अभिनव बिल्कुल सही है पकड़े हैं एक्चुअली जुलाई में होना चाहिए था ये लेकिन जल्दी क्यों आ रहा है बहुत सारे रीजन है लॉकडाउन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है ना लोग अपने घर में हैं पॉल्यूशन कम रहा ठीक है वातावरण एकदम मस्त हो गया है चलो बच्चों क्वेश्चन ट्वेंटी टू पर आओ ऑन आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन हुआ है उनमें सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंट ट्रेंड है वो क्या है बताइए ऑन बच्चों ऑप्शन को रीड करो और सही उत्तर बताओ लेट मी सी कौन है वो विद्यार्थी जो सही उत्तर दे रहे कमान एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो समझे तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो मैं देख रही हूँ फिर मेरे बर्थडे तक कैसे होंगे फिफ्टी के मैम आज अन अकेडमी पर बहुत अच्छी लगी क्विज अरे वाह थैंक यू सान्या रोज आया करें और अपने दोस्तों को बताएं कि भैया भावना मैम अन अकेडमी पर रोज सुबह दस बजे आती हैं और रोज शाम को सात बजे ठीक है चलो तमाम बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सेक्टीसाइडल प्रोटीन आगे बताओ इन प्रोटीन का क्या होता है चलो कमऑन जी जी प्रकाश बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री निखिल जी सही उत्तर बताएंगे कमऑन एवरी वन विच वन इज करेक्ट क्या कहते हो सही उत्तर कौन सा है वेरी गुड बच्चों ए इज एप्सोल्यूटली करेक्ट क्योंकि बच्चों उसके मिड गट में जाकर वो एक्टिव होता है है ना मिड गट में कहीं पर फोरगट लिखा है तो कहीं पर कुछ और वो सब गलत है ठीक है ना चलिए इनमें से कौन सा यू कैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है इसको पता है सही उत्तर Come on. बताओ करेक्ट आंसर बताओ अच्छा जी सौरभ मीना तुम हो फोन की स्क्रीन ठीक नहीं हुई अभी तक चलो करेक्ट आंसर दे दो बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कौन सा यू कैरियोटिक सेल नहीं है और डीप नई प्रांशी ये बात हो गई अब अमीबा प्रोटिस्टा में नहीं आता ये बताओ अमीबा प्रोटिस्टा में आता है ना और प्रोटिस्टा तो यू कैरियोटिक होते हैं ऋषिकेश वेरी बैड बच्चों ई कोलाई बैक्टीरिया वेरी गुड दीपक अरे बाबा रे सिर्फ किंगडम मोनेरा वाले ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक है बाकी सब यू कैरियो क्या चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एक ऐसा इकोसिस्टम जो इजीली डैमेज हो जाए लेकिन वो काफी समय के बाद क्या कर जाता है रिकवर भी कर जाता है है ना? तो इस तरीके के इकोसिस्टम को क्या कहते हैं बच्चों कमॉन आजन अकेडमी पर क्लास की थी मैम और आपका क्लास बहुत अच्छा लगा थैंक यू थैंक यू बहुत धन्यवाद प्रकाश बहुत धन्यवाद चलो बच्चों जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का सही उत्तर वो बहुत जल्दी डेमेज हो जाता है इसका मतलब है वो स्टेबल तो है नहीं तो या तो बी में से होगा आंसर या डी में से होगा है ना और दूसरा लिखा हुआ लो रेजिलेंस रेजिलेंस का मतलब है रेसिस्ट करने की क्षमता या रिकवरी की क्षमता तो बेटा रिकवरी की क्षमता तो ज्यादा है उसके अंदर समझ गए तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन राइट बच्चों टोटल फोर्टी क्वेश्चन करने हैं हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाओ चलो ये बताओ अगर पिरामिड है एज पिरामिड ब्रॉड बेस है उसका ब्रॉड बेस है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों द पिरामिड इज लाइक दिस ये जो ब्रॉड बेस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों चलो बता दो करेक्ट आंसर क्या है कम ऑन ज दिस रिप्रेजेंट ये किसको रिप्रेजेंट करता है जो भी सीरियसली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ट्वेंटी वन या ट्वेंटी टू के लिए अन अकेडमी पर मैंने फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है रोज सुबह दस बजे क्लास होती है और रोज शाम को सात बजे ठीक तो है तो वो फ्री क्लासेस हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ठीक है बच्चों रोज सुबह दस बजे और रोज शाम को सात बजे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक में शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ ठीक है बच्चे चलो और यहाँ पर करेक्ट आंसर है हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स यानी कि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है न्यूली बॉर्न बच्चों की संख्या ज्यादा है वेरी गुड रवि चले फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैस्ड बताइए बच्चो कौन सा गलत है कौन सा गलत है इनमें से वेरी गुड पलक अर्चना कौन सा गलत है नौ बच्चों नौ अभिनव ने करेक्ट आंसर दिया है प्रियांशी ने सही बताया नो रोहन कम ऑन बेटा नाइट्रोजन बेसिस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वेरी बैड एकांश सोमे बिल्कुल गलत है देखो एक तरफ होते प्यूरिन और एक तरफ होते पायरेमिडीन ठीक है जो प्यूरिन है उसके अंदर ए जी आता है ए जी और पायरेमिडीन में ओ जी नहीं आता कट आता है टी यू टी है ना तो याद रखना एडिनिन और ग्वेनिन प्यूरिन में आते हैं लेकिन यहाँ पर जी की जगह टी दे रखा है तो ये गलत हो गया और यही तो हमसे पूछा था ओके डॉली बाय समझ गए बच्चों इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया क्या कहते हैं बच्चों उसको कमऑन अंजना कम ऑन एवरी वन सही उत्तर बता दो लेट्स सी कौन करेक्ट आंसर दे रहा है बच्चों आई हैव दिस अनदर यूट्यूब चैनल मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो फॉर इट आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू ऑल आफ्टर स्कूल उस चैनल का नाम है बेटा कम ऑन गो फॉर इट जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाग के जाओ दौड़ के आओ कम ऑन नवदीप दीपक यस yes, अर्चना जी गुड इवनिंग थैंक यू अंजना थैंक यू बेटा चलो कौन एकदम सही उत्तर दे रहा है अडेप्टिव रेडिएशन वेरी गुड थैंक यू शांशु गुड इवनिंग अविनाश ये बताओ बच्चो गलत स्टेटमेंट कौन सी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है एक बार ऑप्शन को पढ़ो पवनजीत बच्चो मैंने एक लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ दिस इज माई अनदर यूट्यूब चैनल प्लीज गो एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन गुड इवनिंग थैंक यू भाविका चलो सही उत्तर बताओ गुनगुन -गुन ने क्या लिखा है खतरनाक सा आंसर चले बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है ट्वेंटी नाइन का वेरी गुड आदित्य वेरी गुड बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट ये है ए वाली और ये वैसे तो सही होती लेकिन यहाँ पर ऑल प्रोटीन्स आ गया तो ये गलत बात है हर प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता ये बिल्कुल गलत है ठीक है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही तो पूछी थी चलिए द टाइप ऑफ इको सिस्टम विद हाइएस्ट मीन प्लांट प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा प्लांट प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा बायोमास कौन से एको सिस्टम से मिलेगा बताइए बच्चों, बच्चो कमऑन एवरीवन थैंक यू ऋषिकेश थैंक यू बच्चों करेक्ट आंसर बता रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर ना एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों छोटे से पौधे फिर, फिर बड़े फिर बड़े फिर बड़े है ना तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं ये कहाँ पर मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है ना और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी यहीं पर हो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम और मैक्यूला ल्यूटिया ये दोनों क्या है बताइए क्या सिमिलैरिटी है इसमें ऑन टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन नहीं हो रहा है मैं अभी दूसरा लिंक आपके साथ शेयर कर देती हूँ जस्ट गिव मी अ सेकेंड तमान बच्चों फटाफट से इसका करेक्ट आंसर दीजिए और मैं टेलीग्राम का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ डोंट वरी वीडियोज़ को लाइक करते चलो बेटा साथ साथ मैंने लिंक शेयर कर दिया बच्चों टेलीग्राम का आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ठीक है अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इट इज कैरेक्टराइज येलो कलर ठीक है चलो ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड वाज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट इनमें से कौन सा अमीनो एसिड नहीं मिला था मिलर के एक्सपेरिमेंट में चलो बताओ टोटल फोर्टी क्वेश्चन कमान बच्चों हरी आप टोटल फोर्टी क्वेश्चन करेंगे हम टेल मी वेरी गुड वेरी गुड बच्चो बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर है ए बच्चों ग्लूटामिक एसिड नहीं मिला था एस्पार्टिक एसिड ग्लाइसिन और एलिन मिले थे एसएल मिलर के एक्सपेरिमेंट में ठीक है वेरी गुड चलिए फाइनल स्टेबल स्टेज को क्या कहते हैं बच्चों इकोलॉजिकल सक्सेशन में किसी भी मूवी की एंडिंग को क्या कहते हैं वही आंसर है इसका कम ऑन भाविका ये लाइव क्लासेस जो चल रही है भाविका यूट्यूब पे वेरी गुड इवनिंग सुभाष करेक्ट आंसर बताइए बच्चों वेरी गुड आदित्य वेरी गुड बाकी बच्चे भी करेक्ट आंसर दो लेक्चर्स की लाइव क्लास करते हैं भाविका जी कुछ करते हैं लेक्चर्स की लाइव क्लास एक्चुअली मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ प्ले में जाकर आप चेक करो एनसीआरटी की फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है ठीक है वेरी गुड विकास। चलिए इनमें से कौन सा टिपिकल मोनोसेकर्पल है इनमें से कौन सा टिपिकल मोनोसेकोराइट का एग्जाम्पल है बताइए चलो देखते हैं कौन बता रहे करेक्ट आंसर गो फॉर इट एवरी वन चलो 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 सही उत्तर बताओ तमान बच्चों आई हैव शेयर्ड अ लिंक विद यू ऑल दिस इज माई अनदर यूट्यूब चैनल तो अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो फॉर इट अंजना जी गो एंड सब्सक्राइब द चैनल चलो अच्छो करेक्ट आंसर है इनुलिन आपको बताइए किसका पॉलीमर है प्रकटोज शुगर का पॉलीमर है बहुत बार जब फ्रकटोज प्रकटोज आपस में जुड़ेंगी तो ये जाकर बनेगा चलिए अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता हमारे एटमोसफेयर में तो बच्चों अर्थ का टेम्परेचर कैसा होता बताइए अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता हमारे टेम्परेचर में मतलब एटमोसफेयर में तो अर्थ का टेम्परेचर कैसा होता बच्चों ऑन टेल मी वेलकम अविनाश करेक्ट आंसर बता दो दित्य सोनिया विकास बहुत अच्छे बच्चो हमारे करंट टेम्परेचर से कम होता क्योंकि तो सी यू टू पता ही क्या करती है बाहर से आने वाली जो यू वी रेडिएशन है उनको सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है जिस वजह से धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वॉर्मिंग हो रही है है न चलिए मैम अब क्वेश्चन वाली वीडियो कब बनाओगे आस्क मी एनीथिंग वाला और पक्का बनाओगे भी कुछ एक दो दिन में ही ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अच्छा डीडीटी की जो डिपोजिशन है वो इन चारों में से सबसे ज्यादा किस में होगी डीडीटी की जो डिपोजिशन है इन चारों में से सबसे ज्यादा में होगी बताइए कब और और बच्चों अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछा कोई भी क्वेश्चन तो मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पोस्ट में आस्क मी एनी तो आप लोग वहां पर जाकर कॉमेंट कर सकते हो जो भी आप पूछना चाहते हो ठीक है तमाम बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स एंड करेक्ट आंसर है डी सीगल क्यों क्योंकि डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर इन केमिकल टॉक्सिक्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती रहती है जिसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन ठीक है ना ठीक है बच्चों नवदीप अभी कुछ कह नहीं सकते आरती अभी कुछ कह नहीं सकते हम कि एक्सटेंड होगा या नहीं बट क्योंकि ट्वेल्थ के बोर्ड्स कैंसिल हो चुके हैं तो दो महीने भी हैं तो शायद ना हो एक्सटेंड क्योंकि उन बच्चों को तैयारी करने का समय मिलेगा है ना चलिए बच्चों बताओ एंजाइम्स वाइटमिन एंड हॉर्मोन्स इनको हम सेम कैटेगरी में डाल सकते हैं ठीक है क्यों किस बेसिस पर हम इनको सेम कैटेगरी में डालते हैं बताइए ऋषिकेश कॉकरोच के आठ में तेरह यानी कि थर्टीन चैम्बर्स होते हैं। चलो सुनाओ आरती आप भी सुनाओ बाश करेक्ट आंसर क्या है गर्व मैं आपको मेल uh, कर दूँगी या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज ठीक है ना चलो यस यस गर्व आई विल डू दिस एवरी एवरीवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का करेक्ट आंसर बताओ इनको सेम कैटेगरीज में क्यों डाला जाता है ऐसा क्या है क्या काम करते हैं ये चले क्योंकि बच्चों ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं सारे के साथ ठीक है कमॉन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वेंथम एंड हुकर की जो क्लासिफिकेशन थी उसकी मेरिट क्या थी क्या एडवांटेज थी बताओ क्या काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था बेंथम एंड हुकर ने जो प्लांट्स के ऊपर क्लासिफिकेशन दी थी बच्चों उसके बारे में बताइए चलो ऑप्शन आपके सामने हैं एक बार रीड करो और सही आंसर बताओ वेरी गुड दिस वन इज रिपीटेड मैंने पहले भी पूछा था बच्चों उन्होंने ऑर्डर रेनल्स को बिगनिंग में प्लेस किया हुआ था अपनी क्लासिफिकेशन ठीक है थैंक यू ऋषिकेश तमाम बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन रॉन्ग पेयरिंग किसकी है इन चारों में से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आप लोगों को बताना है एक बार ऑप्शन को पढ़ो और बताओ रॉन्ग कौन सा है चलो हम एवरीवान गो फॉर इट बच्चों मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल का दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो फॉर इट वेलकम इंडिया का सक्षम हैकर वेलकम चलिए करेक्ट आंसर क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का वेरी गुड रोहन वंशिका वेरी गुड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिसके आगे ऑल्टर एरिया लिखा हुआ ठीक है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ थ्री आइटम्स ईच बिलोंग टू द कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट देम आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं और बताना है इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है बताओ बच्चों चलो हेलो जिहाद गुड इवनिंग ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए ऑन गो फॉर इट बच्चो ट्राई योर बेस्ट एंड कीप लाइकिंग द शेयरिंग टू भूपेंद्र जी हेलो वीडियोस को शेयर कर दो एकदम फैला दो चलो बच्चों करेक्ट आंसर बताओ काफ़ी बच्चे डी बोल रहे हैं दीपक ने बोला है ए लेकिन तो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है सी डेट इज रेनिन एलिकेस एंड आई ये तीनों ही एंजाइम्स होते हैं ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलिए सो ऑल दी वेरी बेस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने थैंक यू विनाश ऐसे ही लगे रहो पढ़ाई करते रहो और डाउट्स पूछते रहो ठीक है अब मैं कल की क्लास में जब आऊँगी ना तो क्लास ट्वेल्थ का नेक्स्ट चैप्टर क्लास ट्वेल्थ का नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगी हाँ जी बच्चे पूछो क्या डाउट्स है पूछो क्या पूछना चाहते मैम आई नीड योर सजेशन एक्चुअली बी फार्मा कर रहा हूँ बी फार्मा अच्छा हाँ बिल्कुल रोनित बी फार्मा अच्छा है बिल्कुल आ, इंडिया के सक्षम हैकर मेरी जो लाइव होती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे रोज आठ बजे से नौ बजे होती है बलवान क्या बताऊ मैं आपको मैडम प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंड रॉन्ग प्लेस आर लाइक यू हाँ सो में है। कल, ठीक है अच्छा कल क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर ट्वेल्व होगा बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन ठीक है मैं होम टूर कब करवाऊंगी करवा दूंगी केमिस्ट्री का आदित्य ऐसे तो मैं नहीं बता सकती आपको बट डियर स्टूडेंट्स अन अकेडमी पर मैंने फ्री क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है ठीक है तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं फ्री क्लासेस अटेंड करना तो रोज सुबह दस बजे आती हूँ मैं अन अकेडमी पर ठीक है और रोज शाम को आती हूँ सात बजे ऑल ऑफ यू बी देयर ठीक है रोज़ सुबह दस बजे क्विज होती है क्लास ट्वेल्थ की और रोज़ शाम को सात बजे मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज शुरू कर दिया है थ्योरी पढ़ाना तो आई होप आप लोग मुझे मिलेंगे कल सुबह अन अकेडमी पर ठीक है कोई प्लान नहीं है सो में घर पे ही रहना पड़ेगा बर्थडे पर क्या करें बलवान अन अकेडमी पर रोज़ सुबह दस बजे और रोज शाम को सात बजे ठीक है जी ऑल द बेस्ट एवरी वन बाय बाय टेक केयर मिलेंगे कल अपनी क्लासेस में ठीक है बाय बच्चों